इंटर कॉलेज सलानी में 335 की छात्र संख्या है। इस इंटर कॉलेज में 6 टीचर हैं। कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर बच्चों को सप्ताह में 2 दिन क्लास मुहैया होती है, और इन 2 दिनों में वो क्या सीख पाते हैं। सिर्फ 4 कंप्यूटर यहाँ पर हैं, और इन 4 कंप्यूटरों में से 3 चालू हालत में हैं। स्कूल में 9th से कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, और यहाँ कंप्यूटर कम होने के कारण हम कम सीख पाते हैं। हफ्ते में केवल 1 या 2 दिन मिलता है, और हमें यहाँ पर सीखने का मौका कम ही मिलता है। हम गेम जानते हैं, टाइपिंग जानते हैं, और फोल्डर बनाने जानते हैं। इस विद्यालय की टोटल स्ट्रेंथ है 335, जिसमें अधिकांश जो संख्या है 9th, 10th और 11th, इन बड़ी क्लासों में ज़्यादा है। कक्षाएँ इतनी ज़्यादा हैं, कंप्यूटर 4 हैं। अगर हम एक क्लास को भी अगर वीकली डिस्ट्रीब्यूट करें तो शायद पूरा आप नहीं पहुंच पाता। तो एक आदमी 10-10 या 12-12 के बेस में एक कंप्यूटर के रूप में बैठाना पड़ता है। 9th से कंप्यूटर सीख रही हूँ, और हमारे स्कूल में कंप्यूटर कम होने के कारण, बच्चे ज़्यादा होने के कारण, हम कंप्यूटर में 2 या 3 दिन हफ्ते में जाते हैं और इसे खोलते हैं, और थोड़ा अपना पेंटिंग करना सीखते हैं। आपको क्या क्या आता है कंप्यूटर में? हमें कंप्यूटर में जैसे ऑन ऑफ करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही आता है अभी तक। कितने समय से सीख रहे हो आप स्कूल में? हमने 9th से देखा है कंप्यूटर। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 11 में। उत्तराखंड सरकार ने कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालयों में कंप्यूटर मुहैया करवाए। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा आने तक कंप्यूटर शिक्षा जारी है, और हमारे नौनिहाल छात्र छात्राएं सिर्फ एक फोल्डर मात्र बना पा रहे हैं। अगर ये बच्चे कंप्यूटर सीखने के लिए सलानी से बाहर जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो वहाँ कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करते वक्त इनको इंटर कॉलेज लेवल का कंप्यूटर ज्ञान कितनी मदद कर पाएगा? इंटर कॉलेज सलानी से विपिन जोशी, इंडिया अनहर्ड के लिए।